नमस्कार। भोजपुरी और मगी के जाने माने सिंगर गुंजन सिंह ने पटना में एक आलीशान घर बना लिया फिर, तो उस घर के बारे में आज खूब ज़्यादा हम चर्चा करने वाला है। लेकिन मगी का कुछ कलाकारों का कहना है ना फिर कि गुंजन सिंह हम लोगों का गाना उठा करके गा देते हैं, जिसके वजह से गुंजन सिंह का मार्केटिंग चल रहा है, यानी उनका गाना बज रहा है और उस गाने को बजने से ये घर बनाए हैं। और ये हम नहीं, प्रूफ के तौर पर छोटे छोटे जो कलाकार हैं उन लोगों का वीडियो भी दिखाएंगे फिर। लेकिन यार उससे पहले जो गुंजन सिंह ने आलीशान घर बनाया है ना, उसके बारे में बात करते हैं। जी फिर आप सभी को बता दूं कि भोजपुरी एंड मगी के जाने माने सिंगर गुंजन सिंह का घर पटना में एक जगह है फ्रेंड, जिस जगह का नाम है खेमनी चक। खेमनी चक के एरिया में ही गुंजन सिंह ने अपने एक बहुत ही बेहतरीन आलीशान बंगला, यानी बंगला भी कह सकते हैं फ्रेंड, जो कि बनाया फ्रेंड। और उस घर का नाम है सिंह हाउस। जी हाँ फ्रेंड, उस घर का नाम दिया है सिंह हाउस। और एक ही बार मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया फ्रेंड। चार फ्लोर का मंजिल है, यानी चार मंजिल का घर बनाया भोजपुरी और मगी के जाने माने सिंगर, जो कि उनका घर का बाहर से लुक इस प्रकार को देखने को लगता है फ्रेंड। और गुंजन सिंह पिछले 31 मई को इस घर का गृह प्रवेश किए थे फ्रेंड, तो उसी दिन का कुछ फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आप लोगों को दिखा रहा है फ्रेंड। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो घर है गुंजन सिंह का सिंह हाउस, आखिर क्या आप लोगों को दिखने में कैसा लगता है, क्या लगता है कि यह आलीशान बंगला है। और गुंजन सिंह पर मगी का छोटे छोटे कलाकार आरोप लगाते हैं कि गुंजन सिंह हम लोगों का गाना चुराते हैं, तो आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो हम खुद उन लोगों से सुना देते हैं। तो सौरभ भैया आइए, आप खुद बताइए, इन लोग विश्वास नहीं करें। हम लोग का एकदम सपोर्ट मिलेगा भैया को, लेकिन भैया भी तो हम लोग भी थोड़ा ध्यान दें, हम लोग गाते हैं तो गड़बड़ा देते हैं काम भैया। जी भैया ऐसे मत, तो ऐसा थोड़ा है कि आपका जो गाना गाए जो है बहुत मेहनत से बनाते हैं गाने को, और भैया गा देते हैं तो बहुत दुख होता है। अरे ऐसे तो गर्व की बात होना चाहिए कि हमारा गाना बड़े स्टार गाए हैं। अरे भैया गर्व की बात होना है, हो हम मानते हैं कि गर्व की बात है। अब गर्व हम महसूस करें हम मार्केट से आउट हो जाए, तो इसमें हम क्या गर्व महसूस करें बताइए। हां ये तो बात सही है। तो भैया आप मान लीजिए हमसे मतलब हमसे तो ऊंचा है गुंजन भैया। जी जी, वो हम लोग का गाना गा देंगे तो व्यूअर तो मतलब जरूरी है कि उनका हमसे ज्यादा जाएगा, और हमसे जो छोटा सिंगर है हम उनका गाएंगे तो मेरा जाएगा। जी जी, तो यही है कि अब हम गर्व महसूस करते रह जाए बैठ के कि हमारे तो पवन भैया गा दिए गाना, पवन भैया तो किसी का नहीं गाते हैं, मान लिया गुंजन भैया गा दिए गाना, अब गर्व महसूस करें घर में बैठ के कि मेरा गा दिए, और गर्व महसूस करके वो बच जाए हम ऐसे। जी, और अभी इतना ही नहीं, एक और सिंगर है जिनका नाम रोशन रोहिया, उनका बयान सुनिए भैया, आप भी आके कुछ बता दीजिए। क्या सच में गुंजन सिंह आप लोगों का गाना चुराते हैं? वो तो शुरू से है, तो क्या कहिए, बात सही है भाई, उनका एक लेवल अलग है, ऐसा नहीं करेक चाहिए। जी, और हाल ही में एक और जो खूब ज़्यादा मगी का गाना वायरल हुआ है कि मारो है गजब लुक, तब देख रहे हैं कि उनका भी गाना इस पर आया है। वो इस पर नया है, जितना बजो अगर बगा देखे वो, तो ये कहाँ तक सही हमारे कितना ट्यून उठाए हैं तो कुछ ही बोलेंगे वो। कुछ भी मतलब आगे से क्या मतलब राय दीजिएगा कि आप अच्छे लेवल, उनको हम क्या बोल सकते हैं, बोले तो उनका एक लेवल अलग है, ऐसा नहीं करेक चाहिए। जी, अब करते हैं तो अगर देखेंगे तो उनको खुद लग जाए। जी अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी हाँ फ्रेंड, गुंजन सिंह से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।